अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको चिकन लॉलीपॉप बता रहे हैं, रमज़ान स्पेशल। हमने चिकन में 2 टेबलस्पून विनेगर डाल के और इसको 5-6 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। बिल्कुल देखिए, एकदम वाइट हो रहा है, एकदम इसका गंदगी, इसका खून पूरा साफ हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे 2 चम्मच, इसका मैरिनेशन बनाएंगे। लहसुन अदरक में अदरक कम रहेगी और लहसुन ज़्यादा रहेगा, और ये हरी मिर्च हमने पीस ली है, मोटी मोटी हरी मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हम तीखा खाते हैं, हम तो थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। और ये हरा धनिया डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट डालेंगे अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब रेस्टोरेंट स्टाइल अच्छा आया कलर, तो वो कलर डाल दिया, फूड कलर। अगर आप लोग ना डालें तो स्किप कर सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर डाली है कश्मीरी, और अच्छा कलर आएगा। और ये वाइट पेपर डालेंगे हम, आप लोग काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर। हम ये वाइट पेपर डाल रहे हैं 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मैरिनेट हाथों से करेंगे, मिक्स करेंगे। ये हाथों से ही करें मैरिनेट तो अच्छा रहेगा, मैंने आपको पहले भी अपने चिकन के वीडियोस में बताया है। और हाँ, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, 65% हो आप लोगों में से, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। 1/2 चम्मच विनेगर, ब्लैक सोया सॉस भी डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन डालेंगे तो बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें कॉर्नफ्लावर लगा देंगे, मिलाएंगे थोड़ा, जितना इसमें, समझ लीजिए 2 टेबल स्पून, ताकि अच्छे से मसाला कोट हो जाए लॉलीपॉप्स में। 2 टेबल स्पून थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी होएगा। इसको 1/2 घंटे के लिए हमको मैरिनेट के लिए थोड़ा रखना पड़ेगा। फ्रिज में रख दीजिए या वैसे कोई ठंडी जगह रख दीजिए, बाद में हम इसको फ्राई करें। अब 1/2 घंटे के बाद हम अपना चिकन लॉलीपॉप फ्राई करना है। हमने गैस पे तेल जो है हीट करने को रख दिया है, और मतलब तेल को ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। अब हम अपने लॉलीपॉप को इसमें डालेंगे ऑयल में। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। दूसरा पैन बाद में डालेंगे, इसको 3-4 मिनट के बाद पलटेंगे, थोड़ा मीडियम करना है गैस। अगर तेज फ्लेम कर देंगे तो जल जाएगा और अंदर से नहीं से फ्राई होएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे करना है। अब हम इसका पलटेंगे, साइड चेंज करते हैं 2-3 मिनट के बाद। मीडियम फ्लेम रखना है कि ताकि अंदर तक सीखे फ्राई हो, कच्चा ना रह जाए अंदर, कलर खराब ना हो। 9-10 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको अपने लॉलीपॉप्स को निकाल लेते हैं प्लेट में। दूसरा पैन डालेंगे और इनको एक बार हम कूल करके दोबारा से फ्राई करेंगे, तब तक हम दूसरा पैन डालेंगे। हम इनको दोबारा से, ठंडे हो गए ये हमारे लॉलीपॉप्स, दोबारा से इसको हम ऑयल में डालेंगे ताकि और क्रिस्पी हो जाए। और फ्लेम हम अपनी स्लो ही रखेंगे ताकि और क्रिस्पी हो जाए लॉलीपॉप।
अच्छे से हमको वो फ्लेम पे दोबारा से हमको उनको फ्राई करना है ताकि और क्रिस्पी हो जाए। साइज चेंज करनी है, अब क्लोज करना है ताकि जले ना, काला ना पड़े। और आप लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। और हम इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज डालेंगे। कर दिया सब्सक्राइब, वेरी गुड। मज़ा ही आ जाएगा ताली। तीन चार मिनट के बाद अब हम अपने लॉलीपॉप्स को निकाल लेंगे। थोड़ा संभल निकलना रहता है, ये काम तेज बहुत होता है। इनको भी तीन चार मिनट के बाद हम निकाल देंगे। साइड में दो मिनट के बाद फेल करके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। लीजिए तैयार हो गए हमारे लॉलीपॉप्स। और देखिए मैंने शेजवान चटनी बनाई हुई है पहले से, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। नींबू प्याज सबके साथ हम मेरे टेस्टी लॉलीपॉप्स, स्पाइसी लॉलीपॉप्स।